वक्त के साथ साथ मुस्तफ़ा और शर्जीना की कमी हर किसी को महसूस होने लग गई है। मुस्तफ़ा का बाप तो बहुत पहले से ही जानता था कि मुस्तफ़ा बेकसूर है और वो इसको घर में वापस लाने की बहुत सी कोशिशें भी कर रहा था। और अब इसकी माँ को भी मुस्तफ़ा याद आने लग गया है और वो अदील से भी बोलेगी कि जब मुस्तफ़ा घर में होता था तो घर में हर वक्त रौनक ही लगी हुई होती थी। साथ ही वो अदील से ये भी बोलेगी कि वो मुस्तफ़ा का पता लगवाए और उसको अगर पैसों की ज़रूरत है तो उसको कुछ पैसे भी दे दे। जब अदील मुस्तफ़ा का पता लगवा कर इसके पास जाएगा तो मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा।